बोलने जा रहे हैं, और पवन भैया से जो बातचीत हम लोग की हो रही थी जो रुक गई थी उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है पवन सिंह जी के साथ बात करने में, वो भी बेबाकी से हर बात का प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, और खूब दिल से बातचीत हो रही है पवन जी और हम लोगों की। तो पवन जी को भेजता हूँ मैं फिर से रिक्वेस्ट, पवन भैया को फोन भी हम लोग से जुड़ेंगे तो मैं उनको कॉल करता हूँ फिर से जुड़ने के लिए, या देखता हूँ अगर कहीं जुड़ गए होंगे। लगता है हम लोग से अभी हाँ। आम्रपाली जी, पवन जी आज बहुत मस्त मस्त जवाब देने के मूड में हैं। अनारा गुप्ता एक्ट्रेस जी भी हम लोग से जुड़ गई हैं, रितु सिंह जी जुड़ गई हैं। भैया मैं लाइव, आप मेरे लाइव पर आइए तब तो आपको मैं कनेक्ट करूँगा। हाँ आ गए भैया, आ गए नहीं, आ जा आ जा, 2-3 सवाल और बड़ा देखा। आम्रपाली जी भी लिख रही है, पवन जी बहुत मूड मूड में जवाब दे रहे हैं आज, मूड से मूड बन गया है पवन भैया का। हाँ तो जवाब आइए भैया, ठीक है ना। बात हो गई पवन जी से, जल्दी हम लोग से कनेक्ट हो रहे हैं। रितु सिंह जी भोजपुरी फिल्मों की नायिका हम लोग से जुड़ गई हैं। आम्रपाल जी लगातार जुड़ी हुई हैं, खेसारी भाई भी जुड़े हुए हैं, अभय सिन्हा जी, अनंजय जी, खेसारी भाई भी जुड़े हुए हैं, खेसारी भैया, अनंजय जी, अनारा गुप्ता एक्ट्रेस जी भी जुड़ी हुई हैं, सब लोग हैं। पवन जी को एक बार फिर से जोड़ते हैं और जो प्रश्न बाकी रह गए हैं उसका जवाब पवन जी से लेते हैं। गुड इवनिंग रितु जी, आप कैसी हैं? एक एक करके सब लोग भी जुड़ रहे हैं हम लोगों से। सब लोग लिख रहे हैं इंटरनेशनल। काजल लागवानी जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों से। काफ़ी अच्छा सेशन हो रहा है आज हम लोग के, सब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ भैया, एक बार फिर से स्वागत है आपका, थैंक यू एक भाई। बार फिर से स्वागत है आपका। हाँ, काजल लागवानी जी भी जुड़ गई हैं, काजल लागवानी जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों से, और प्रणाम काजल जी प्रणाम भी, प्रणाम। हाँ, रितु रितु जी भी जुड़ गई हैं, रितु सिंह जी। रितु आम्रपाली जी सिंह लिख रही हैं कि पवन जी आज बहुत ही, पवन जी बहुत ही मतलब मूड में है। वाह। हाँ, सब लोग जुड़े हुए। विकास सिंह जी जुड़े हुए हैं हम लोगों से, प्रोड्यूसर विकास भाई, वो भी जुड़े हुए हैं अच्छा हम लोगों से। हाँ, प्रणाम। सब लोग जुड़े बा, खूब बढ़िया से, और तुम्हारा मूड इतना बढ़िया बनल बना। अनारा गुप्ता जी जुड़े बारी, तो लोग के मजा वाह, होता। आज पवन सिंह का मूड नमस्कार मूड बनने में नमस्कार। टाइम लगता है, लेकिन आज मूड बन गया बा तो मजा होता लोग। तो भैया कहे कही बात कि आपने पवन भैया भोजपुरी की पवन भैया कोई ऐसी नायिका नहीं है जिसके साथ आपने काम नहीं किया है। काजल लगवानी जी प्रणाम बोल रही है आपको, पहले उनका जवाब दे दीजिए। अनारा गुप्ता जी भी नमस्कार बोल रही है। उनसे पहले हम काजल के प्रणाम कर चुकल बनी। अनारा गुप्ता जी नमस्ते। और बा आम्रपाली जी लिखी है कि मस्त टीका लगा के हैंडसम लग रहे हैं पवन जी। बाप रे बाप, गए रहनी हम अरे बाबा के कभी दर्शन हॉस्ट, करें। आम्रपाली जी थोड़ा हॉस्ट हॉस्ट के बारे में भी लिखा कीजिए, खाली स्टारों को हैंडसम बोलिएगा। अरे हम लोग भी हैं, हैंडसम तो है हमारा पवन भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पवन भाई, आपने लेकिन लगभग भोजपुरी, हाँ बोलिए ना, पहले कुछ बोल लें फिर सवाल कुछ किया जाए। अरे यार, सवाल जवाब तो जिंदगी भर लगा रहेगा। हाँ, पहले लेकिन वो थोड़ा ये सेशन थोड़ा सवाल जवाब का भी है, हंसी मजाक तो चलिए रहा है, लेकिन अरे सवाल जवाब, सवाल जवाब कोनो भी। ईप थोड़े बनी जाए यार, थोड़ा सा मस्ती भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए वो क्या, वो लिखी है अमरपाल जी, तुम टीका नहीं लगाए हो ना,
निशांत इसलिए, वो टीका लगाए इसलिए अच्छे लगाए। वाह हमको भी देखिए रितु सिंह लिख दी सो हैंडसम, कोई तो है मेरे बारे में भी लिखने के लिए अमित पाल जी। रितु सिंह याद है ना कौन भैया, बीन बीन बजाओ सपेरा में जो आपकी हीरोइन थी, काजल लगवानी जी लिखी है। भैया भैया एक एक मिनट गाना रोक द, काजल लगवानी ने लिखा है निशांत जी लुकिंग वेरी हैंडसम। मैं क्या करूं कूद जाऊं कि इंटरव्यू लूं? नहीं नहीं अभी रुको, सहार आफसा जी लिख रहे हैं निशांत जी आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, मतलब ये तो बड़ा गजब, मतलब हम बैठे इंटरव्यू में जाए। अरे नहीं जाएंगे कहाँ, आप इतने क्यूट हैं ही आप। क्या बात है, चलिए आपने बोल दिया तो भैया हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, क्योंकि लोग हम लोग से फिल जुड़ गए हैं। अरे भाई मेरे भावनाओं को दबाइए नहीं। खेसारी जी लिख रहे हैं मेरे बारे में किंग जॉन, मैं किंग जॉन लग रहा हूँ उस दक्षिण कोरिया के उत्तर कोरिया का जो प्रधानमंत्री नहीं है, किंग जॉन लिख रहे हैं, मैं किंग जॉन हो गया खेसारी भैया, मैं किंग जॉन। और खेसारी जी निकले मुझे किंग जॉन लग रहा है, मतलब देखिए हीरो लोग को नहीं पसंद है ना, हीरो लोग को ये नहीं पसंद है कि काजल जी लिखे कि मैं क्यूट लग रहा हूँ, मैं हैंडसम लग रहा हूँ, तो सहाल जी लिख दिए ठीक बात रखे, वो किंग जोन को दले हीरो नहीं कर बड़ाई कर, हीरो तो हर बड़ाई करा था लोग ना। हाँ हीरोइन तो करा था लोग, खुश बाड़ो नो, खुश बानी भैया, खुश बाड़ो नो, जैसे जैसे आपने मेरे साथ एक बार गद्दारी किया था। मैंने कौन सा गद्दारी भैया? केसारी भाई सुन लेना, मैंने कौन सा गद्दारी किया था? आपने किया था तो ही मैं वो गाना गाया था। कौन सा गाना? पाके दो सारा के बोले भुला जाइबो, मैंने नहीं ना खेसारी जी ने किया था ना, पाके दो सारा के बोले भुला जाइबो, आंख से आंख अब ना मिला पाइबो। खेसारी जी कौन धोखा किया हमारा? कौन मैं धोखा किया हूँ आपसे? इस गाने के वीडियो में कौन है? अरे मैं तो वीडियो में हूं ना यार, वो तो आपके प्रेम में मैं जो कर दूं, आपके प्रेम में जो कर दूं मैं। खेसारी जी लिख रहे हैं मैं सुन रहा हूं। हाँ सुनिए, मतलब वो भाई क्लियर कर दे, आपके फैन सब बहुत अलग होते हैं, वो लिख देंगे सबकी गद्दार है निशान, वो क्लियर कर दे कि वीडियो में मैं आपकी हीरोइन को लेके गया था, और कोई बात नहीं है। क्या है ना प्यार, प्यार में अपने भाई को कोई कुछ भी बोलता है, बिल्कुल। बाकी मेरा भाई गद्दार थोड़ी है। वीडियो में मैंने बोला कि हाँ निशान जी मैं चाहता हूँ कि लड़की मुझसे बेवफाई कर रही है, तो अगर कहीं जाके जुड़े तो वो मैं चाहता हूँ कि वो शख्स आप रहे। तो मेरे कहने से निशान जी जाके उस वीडियो में काम किए और हीरोइन हमको छोड़ के और निशांत भाई को एक्सेप्ट करती है, इसमें निशांत भाई का कोई दोष नहीं है, अभी मेरा भाई। काजल जी और क्या कहते हैं कि काजल जी सबको लिख रही है हाय अम्मू जी, हाय केसू जी, केसू जी किसको बोलती है? खेसारी जी को लगता है। वाह खेसारी भाई तो कभी बताए नहीं कि काजल जी उनको केसू जी बोलती है, आज जान गए हम लोग। आम्रपाली जी सबको वो हाय बोल रही है, काजल जी बोल रही है हाय केसू जी। ठीक है भैया हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, काफी मजा आ गया हम लोग। पवन जी आपने अपने कैरियर में लगभग जितनी भी भोजपुरी की नायिकाएं हैं, उस दौर की भी जो नायिकाएं थी, रानी चटल जी, मोनालिसा, पाकी जी, रिंकू जी, सबके साथ काम किया, अभी के भी दौर में अक्षरा जी, अंजना जी, काजल जी, आम्रपाल जी के साथ भी आपने फिल्म किया, और भी जो हीरोइन है रितु सिंह, अनारा गुप्ता, मतलब सबके साथ आपने लगभग जितनी नायिकाएं, सुभी शर्मा के साथ काफी काम किया, तो वो तो आपको आपकी पसंदीदा नायिका कौन है इन सबों में से? है? आपकी पसंदीदा नायिका इन सब में से कौन है? हमने की चाह तू बोला, अरे भाई पब्लिक जाने के चाहेला ना, हॉल हीरो लोग बोलते हैं, आप बताइए कि आपका पसंदीदा नायक कौन, आपके पसंदीदा नायिका कौन है जितने हीरो लोग साथ आपने, इसमें जेन्युइन बात बोलिए, कंफर्म हो लीजिए कि आप नायक के बारे में पूछ रहे हैं कि नायिका के बारे में पूछ रहे हैं। नायिका के बारे में पूछ रहे हैं पवन भैया, नायिका के बारे में, हीरोइनों के बारे में, रानी चटल जी, मोनालिसा, पाखी हेगड़े, अक्षरा जी, काजल जी, आम्रपाली जी, रानी जी, ये सब लोग ये हैं, मतलब नायिका है, नायिका है। तो ये में हम क्यों एक के कैसे नाम ले ले सकेला? अरे आपको आपको जो अच्छा लगता हो इसमें क्या, इसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा, सब लोग सवाल का जवाब देते हैं, सबको ही अच्छा लगेगा,
ये अच्छा काम करेला वो हमके अच्छा लगेला। एमे से तू ऐसा कोनो काम नाम ना लेला जौन जौन की अच्छा अच्छा काम ना करेला लोग। सब कोई बहुत अच्छा काम करता है, हमारे लिए सब कोई फेवरेट है। ओके ठीक है भैया, सब लोग फेवरेट है। खेसाली जी लिख रहे हैं भैया, तो मैं आपको एक मिनट इंटरप्ट करूं। खेसाली जी लिख रहे हैं, मैं खेसारी नाम से ही खुश हूँ, मुझे केसु मत कहिए, मैं खेसारी नाम से ही खुश हूँ। लोग देखा था कि नाम पब्लिकली आ जाता है, ऐसे मना करते लोग। बाकी अमरपाल जी लिखी है कि आपको भी काजल पुन्नू बोलती है, प्याल से आपको भी कोई पुन्नू बोलता है क्या? ग्राहक आप पता ना, अमरपाल जी लिख रही है कि कौन जी को भी प्याल से लोग पुन्नू बोलते हैं, तो हमारा नहीं क्या मालूम इतना। की कौन नाम है पुनु, कौन नाम है मर्दे? पुनू को नाम है, अमरपाल जी लिखिए। मतलब आपकी जितनी नायिकाओं के साथ आपने काम किया है पवन सिंह की, वो सब नायिका पसंदीदा है। सब कोई बढ़िया काम करेला, सब कोई इतना खूबसूरत बा। काम जो बढ़िया करेला वो फेवरेट है, ये है, फेवरेट होगा ही। बिल्कुल देखिए क्या क्या क्या, हाँ देखा। अरे कौन कौन भाई, एक लिखा किसी का नाम लिखा था कोई भाई, अच्छा हाँ, पुन्नू केसु, विकास भाई लिखे हैं, पुन्नू केसु। इधर तो एक और पुन्नू भी, के और बोले ना अच्छा एक और विशेष बात आज के लिए, छोटे जी भैया। भाई खेसारी लाल जी का आज मैरिज एनिवर्सरी है। बिल्कुल, खेसाल जी और चंदा भाभी का। मेरा भाई भगवान इस जीवन में आपको इस दुनिया की सारी खुशियां दें, आप खुश रहें, आपकी पत्नी खुश रहे, हमारे बेटा बेटी खुश रहे लोग, और हमेशा आप हमेशा जगमगाते रहिए, ऐसे ही आप खिलखिलाते रहिए। मेरा भाई, मेरे तरफ से ये दुआ है मेरे भाई को। वाह बहुत अच्छा। खेसारी भैया अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, पवन जी ने आपको और चंदा भाभी को आज आप लोग की शादी की सालगिरह है उसकी शुभकामनाएं दी हैं। आप भी अपने तरफ से जो खेसारी भैया को बोलना चाहते हैं। खेसारी की वाइफ हमारी भवा है, भवे लगे, भवे लगे, बिल्कुल हमारी बिल्कुल भयहू है, वो हमेशा हमेशा बिल्कुल खुश रहे। उसका मैंने आज फोटो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खेसारी के साथ जी ही जी मैंने उसका फोटो देखा, दोनों पति पत्नी इतने हाँ खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जी जी मुझे, बहुत बिल्कुल। एकदम। जगमगाते रहिए, खिलखिलाते आप भी ज्योति रहिए भाभी हमेशा। के साथ बहुत अच्छा लगते हैं, आप भी वाह ज्योति भाभी के साथ बहुत अच्छा लगते हैं भैया। वाह, थैंक यू मेरा भाई। बिल्कुल नहीं, वो लिखी है अमरपाल जी की, रानी चटल जी जी पोनू बोलती हैं आपको, पता नहीं अच्छा भाई, मैं अच्छा मुझे अच्छा नहीं अच्छा मालूम। अच्छा 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 हाँ हाँ जी। अब तो वाह पुन्नू तो पुन्नू हम कर, करो तो काम तो तुए बता, आप ही बताए थे कि पोनू बोलती हैं, तो मुझे क्या मालूम। तो हम कैसे बोल खेसाल रहे जी ने हमारे लिखा है, को, खेसाल जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच भैया। अरे भाई लव यू मेरा भाई। देखिए लोग लिख रहे हैं, दिल जीत लिया पवन भैया आपने आज, आपने लाइव में सब लोग लिख रहे हैं फनीएस्ट लाइव। मतलब मेरा लाइव, मेरे लाइव के बारे में लोगों को मालूम है कि लाइव थोड़ा कड़ा होता है, सीरियस होता है, लेकिन आज आपने एकदम फनी कर दिया इस लाइव को, इसके लिए आप बहुत पवन दिल से सिंह, आभारी हैं। पवन सिंह हो, निशांत हो, खेसारी लाल जी हो, और भोजपुरी की स्टार इतना हमार नायिका लोग रहे हैं साथ में, जी, और भी जे जे भाई के तू नाम लेला है, ये सब हम लोग जुड़े, और वहां पे कड़ा कड़ा क्वेश्चन के भी हम लोग उसको घी बना देंगे, बिल्कुल कड़ा बिल्कुल, कैसे हो पवन सिंह तो सकता है। बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम सब भाई रहे, और उस वो माहौल कोई सीरियस बोल दे नहीं, हम लोग हंसते थे, हंसते हैं, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमेशा सारे भाई ऐसे ही जगमगाते रहे, हंसते रहे, बस बिल्कुल यही यही अरमान है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जैसे स्थापित नायिकाओं के साथ तो आपने काम किया ही, आजकल आप नए लड़कियों के साथ भी काफी काम किया। अभी आपकी फिल्म आई पवन पुत्र, उसमें प्रियंका करके एक हीरोइन आपकी थी। घातक आपने किया है, अभय सिन्हा जी की फिल्म, उसमें आपके साथ सहल आफसा जी नायिका हैं। फिर एक फिल्म आपने जी किया है, इक्स पे जोल नहीं, उसमें आपने उनको अनुस्मृति सरकार है। तो नई नायिका जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें किन में लग रहा है कि वो आगे चल के भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी और उनका अच्छा लोगों के दर्शकों की पहली पसंद बनेगी? ये बोलने वाले या ये डिसीजन लेने वाले शायद हम कौन होते हैं, नसीब जी में जी किसका क्या, मेहनत मायने रखता है, नसीब मायने रखता है। ये अनुस्मृति सरकार ये भी अच्छा काम करती हैं,
और जहां तक काम करने की बात है ब्रदर, देखिए हम सबको कुछ नहीं आता है। जब जब अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि आज भी हम सीखते हैं, तो हम और आप बोले कि हम अच्छा एक्टिंग करते हैं या अच्छा काम करते हैं, तो फिर उसको 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 बोला जाएगा कि हमारे अंदर ईगो आ गया। ओके जब ये महानायक जब वो बोलते हैं कि हम आज भी सीखते हैं, तो फिर हम आप क्या है, कुछ नहीं है, ठीक ना। बस सीखे के बाद, सबके मेहनत करे के बाद, और इसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते। जो नई नई कहीं आ रही है उनको आप बोल रहे हैं कि सीखते रहिए, अच्छा कीजिए। बिल्कुल, सबको सीखना है, सबको मेहनत की बहुत जरूरत है, और सबके मेहनत करेंगे पड़ी तबे की हुआ आगे बढ़े। भैया आप बिल्कुल, आपने 100 से अधिक फिल्में की हैं, आपके पसंदीदा निर्माता कौन है? भैया आपके पसंदीदा निर्माता है? अरे यार, तो सब लोग ये सवाल का एक दौर है, हर आदमी से पूछता हूँ, सब लोग जवाब देते हैं, इसमें बेबाक रूप से जवाब देना, इसका मतलब थोड़ी है कि आप दूसरे निर्माता से कम मोहब्बत करते हैं। अरे तो सबके साथ आपको काम करना, लेकिन एक होता है जिसको, एक होता है जो सबसे फेवरेट हो, जो वन लाइन आए, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा फेवरेट सिंगर पवन सिंह है, वन लाइन में, वो थोड़ी खेसारी जी के गाने नहीं पसंद करते हैं। तो वन लाइन में आपका पसंदीदा निर्माता कौन है, ये बोलना है, जो आप कभी भी, जिसको आपको लगता है कि नहीं माई फेवरेट प्रोड्यूसर, ही इज द माई फेवरेट प्रोड्यूसर, ये मेरे पसंदीदा निर्माता है। हमारे फेवरेट, हमारे फेवरेट सब सारे प्रोड्यूसर हैं, जिसके साथ हम काम कर चुके हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ करने वाले हैं, हमारे सारे लोग फेवरेट हैं। हाँ ये तय है, ये सब लोग जानता है, मैं जो भी बोलता हूँ डंके के चोट पे बोलता हूँ, ये नहीं कि मुंह पे आपके क्या बोल दिया, अब फोन कट हुआ तो क्या बोल दिया, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसका नाम है हमारे बड़े भैया अभय सिन्हा जी हैं, रत्नाकर जी हैं, मतलब आपके जितने पसंदीदा निर्माता अभय सिन्हा जी और रत्नाकर जी हैं। हाँ इसके बाद जितने जितने भी हमारे भाई हैं, सारे लोग हमारे फेवरेट हैं। ओके चलिए, बहुत अच्छा है। भैया पसंदीदा निर्देशक कौन है आपका? फिर कौन से, हम बहुत पहले कह ली है कि जौन आदमी काम करे निकले ला, वो चाहे फिल्म हो चाहे गाना हो, जब सुपरहिट हो जाला वो दिल के करीब हो जाता है। तो जो जिसके साथ हम हिट काम कर चुके हैं, जिसके साथ हम हिट गाना दे चुके हैं, वो हमारे फेवरेट है। उसमें किसी एक का नाम, डायरेक्टर का नाम याद होगा ना, जिनके साथ आपने काफी हिट फिल्में दी, किसी एक का नाम नहीं है, हमारे लिए सारे फेवरेट हैं। और जिसके साथ हिट फिल्म किया हूं, जिसके साथ काम करके अच्छा अनुभव हुआ है, वो हमारे लिए फेवरेट है, हमारे लिए सारे लोग अच्छे। बिल्कुल भैया, आप लोग के बाद, आपके और पवन जी के, खेसाल जी के बाद, जो भी नए गायक और अभिनेता फिल्मों में सक्रिय, उनमें आप आने वाला स्टार आपको कौन लगता है कि हो सकता है? देखिए क्या है, जब हम लोग काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, जबकि आपने शुरुआती दौर में बोला ना कि 20 साल जी, निशांत भाई, जी भैया नेटवर्क नहीं है राजा, हाँ भैया, सॉरी ब्रदर वो हाँ थोड़ा भैया, कट हो गया था, अभी आवाज जी आई? जी जी भैया, अभी आई भैया जी। किसी भी आर्टिस्ट के अंदर ना मैनर होना बहुत जरूरी है। जी भैया, आप में पेशेंस नहीं है, आप में मैनर नहीं है, तो आप अच्छा कलाकार बन के भी, हिट फिल्में दे के भी आप एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। जी,
शुरुआती दौर में खेसारी लाल यादव की एंट्री हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, जी तो हम लोग भी सुनते थे या साथ में खेसारी खड़ा होते थे तो एक नमस्ते करना, प्रणाम करना, किसको चाचा बोलना, किसको भैया बोलना, किसका पैर छूकर प्रणाम करना। तो हम लोग रूम में आते थे तो ये चर्चा करते थे कि ये लड़का देखिएगा जरूर एक दिन बड़ा कलाकार बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आपकी भी कई बार चर्चा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन सिंह खुद बैठ के चर्चा किया है कि ये लड़का इंडस्ट्री को समझने लगा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि किकरा के चाचा कहे के चाहिए, किकरा के भैया कहे के चाहिए। मैनर होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए थे कि भाई ये इस लड़के में है हुनर, ये इंडस्ट्री को समझेगा और ये बड़ा कलाकार बनेगा। बिल्कुल। सो मैनर आज के डेट में हर कोई सामने नहीं आता है, या कोई सामने आता भी है तो अब जब अपने मुंह से केहू का सुपर स्टार बन जाएगा ओकर बतिए अलग बा, ठीक ना? और जवाब मिल लेकिन, गया लोगों को, जवाब मिल गया। लेकिन जितने लोग हैं, जितने लोग मिले इन लोगों में आज के डेट में, हम रितेश पांडे जितना भी हम जितना देर हमसे फोन पे बात किया हो या जितना देर सामने आके मिलता है या इंडिया के बाहर भी कहीं बैठा था बहुत दो तीन साल पहले जब गए रहे ना हमारे साथ इंडिया के बाहर, तो देखनी कैसे दबक के बैठल बा, इधर आओ छोटे भाई हो हंसो खेलो। तो रितेश पांडे में भी के अंदर भी मैनर है, उसमें पेशेंस है, भगवान हमारे भाई को खूब आगे बढ़ाए, यही शुभकामना। मतलब आपको रितेश के अंदर संभावना दिखता है। हाँ पवन जी, आप पर ये आरोप लगता है कि आप हमेशा शूटिंग पर लेट पहुंचते हैं, कॉल टाइम से लेट पहुंचते हैं, लोगों की शिकायत है कि इसलिए फिल्म का जो तय समय पर कंप्लीशन होता है वो नहीं हो पाता है, प्रोड्यूसर मित्रों का सवाल है, तो क्या बोलते हैं इस बारे में? निशांत भैया मैं आपको एक बात बता दूं। अरे मैं भैया नहीं हूँ आपका, छोटा भाई हूँ। सुना ना भाई हमारी, एक बोलने का, अब जिसे मान लो हम रितेश क्या खेसारी के बोल देने की मैनर जिसमें नहीं है वो कलाकार नहीं हो सकता, तो मैं भैया नहीं बोल सकता हूँ, छोटा हो जाऊंगा क्या? चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, चलिए आपका प्रेम है, ये प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल भी आपका प्यार है होना चाहिए। जी जी, ये जैसे आपने बोला टाइम पे आना या नहीं आना, ये बोला ना कि मैं जो हूं सो डंके के चोट पे हूं। जैसे मान लीजिए कि बेमतलब के नाम कमाए, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपकी घातक फिल्म जो है जी, जी, जी मैंने 19 दिन में कंप्लीट किया है। जी जी जी, तो जहां काम होता है वहां मैं काम करता हूं। अगर मैं सेट पे एक घंटा लेट ही पहुंचा लेकिन आपके अंदर देखा कि आपके अंदर एनर्जी है तो आपसे 20 गुना फास्ट नहीं हो गया तो फिर पवन सिंह नाम नहीं। लेकिन एक घंटा सेट पे नहीं पहुंचा लेकिन सेट पे पहुंचने के बाद देख रहा हूं कि हाँ दे तुरंत आदमी कब काम हुई रे चेक रेडी बा कि ना, तो जब सेट पे हम ठीक है एक घंटा लेट पहुंचे लेकिन सेट पे पहुंचने के बाद भी अगर हम 5 घंटा 7 घंटा बैठे रहेंगे सेट पे, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, चार दिन हो गया, तो भैया जहां काम होता है मैं वहां काम करता हूं, जहां टाइम पास होता है मैं सेट पे पहुंचा कि यहाँ एनर्जी नहीं है तो मैं उनसे 500 गुना ज्यादा स्लो हो जाता हूँ। ओके, तो जो साथ के लोग बिल्कुल बिल्कुल, तो निर्माता और निर्देशकों को देखना है कि अगर आप सच में अच्छा काम करना चाहते हैं तो पवन सिंह आपके साथ हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये 500 किलोमीटर दूर आपसे है। बिल्कुल भैया, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान है, जितना मैं क्योंकि मुझे बहुत मैं बहुत लोगों के नजदीक रहा हूँ, हीरो लोगों के, उसमें एक आप भी हैं, आपसे बहुत मोहब्बत और अच्छा संबंध है मेरा, तो मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे इंसान। लेकिन फिल्म उद्योग में, हर फिल्म इंडस्ट्री में सबका कहना होता है कि पवन सिंह की दो गलत बातें, एक कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं और अपने इर्द गिर्द गलत सलाहकार के चलते लोगों से बेवजह संबंध खराब कर लेते हैं। क्या बोलेंगे इस बारे में आप? पवन सिंह कान के कच्चे इसके लिए हैं, ये हमारी कमी कहिए निशांत भाई या खूबी कहिए जी, इस धरती पे मालिक सिर्फ मैं ऊपर वाले को जानता हूं। बिल्कुल,
ये चार देख रहे हैं ना, माता पिता गुरु भगवान, बिल्कुल जैसा कि बचपन से हम लोग सुने हैं कि पहले माता, पहले उसके बाद पिता, फिर गुरु, फिर भगवान, फिर भगवान, बिल्कुल ठीक ना। तो जी भैया, ये चार के बाद ना इस धरती पे मैं सबको वर्कर समझता हूँ, वो चाहे हम हो चाहे आप हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो, लाइट मैन हो, कैमरा मैन हो, पवन सिंह हो, निशांत उज्जवल हो, या कोई भी बिजनेसमैन हो, एक्स वाई जेड, कोई भी, मेहनत करने का विभाग बटा हुआ है, मेहनत सबको करना है तभी फल मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो एक्टिंग करते हैं आप, फिल्म चलाते हैं, वो म्यूजिक बनाते हैं, तो मेरी कमी कहिए या खूबी कहिए कि मैं इस धरती पे किसी को मालिक नहीं समझता हूं। जो भी मेरे पास आता है काम करने के लिए, मैं उसको बोलता हूँ भाई ठीक है यार, रूम के बाहर सिस्टम है, सर बोलो या काम करो या एक गिलास पानी पिला दो। मैं हमेशा ध्यान रखिएगा, आप भी देखे होंगे निशान जी, बिल्कुल देखो, लोग दिखावे के लिए एक गिलास पानी मांगता है, हेलो ये देखो कि हाँ मेरे पास भी स्पोर्ट बॉय है, लेकिन कोशिश करता हूं कि 100 में 95 बार मैं अपना जूता खुद से पहनू। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा स्पोर्ट बॉय जूता का फीता मांगे, नहीं, मुझे लगता है मैं देखा हूं शूटिंग, पिता मेरा बॉय बांधेगा तो मुझे लगेगा कि मेरे अंदर ईगो आ रहा है। तो मेरी कमी यही है या खूबी कहिए कि मैं किसी को भाई भाई बना लेता हूं, और भाई बना लिया और भाई बन के कोई काम मेरे पास बोलेगा कि भैया ये देखिए ना वैसे कर रहा है, तो मैं उस पर रिएक्शन देता हूँ, न कि कान का कच्चा हूं, कोई कोई अनजान बोल दिया कि ये हो गया, मैं किसी अनजान का बात तो मैं सुनता ही नहीं हूं यार, मैं अपनों का बात सुनता हूँ और अपनों के लिए कान का कच्चा हूं, जिसको अपना मानता हूं उसके लिए कान का कच्चा हूं। अब आप इसको जिस रूप में लें, बिल्कुल मैं नहीं भैया, लोग ले लें मुझे, मैं तो जानता हूं कि आप मतलब आप, आपको नहीं बोल रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल। भैया हम लोग के इंटरव्यू का मतलब ये एक आखिरी सवाल है कि ऐसे 5 लोग जिनके साथ जैसा लॉकडाउन अभी गुजर रहा है, तो लॉकडाउन अगर ऐसा कभी हो, ऐसे 5 लोग आपके जीवन के हो, किसी भी इंडस्ट्री के हो, फिल्म के हो, बाहर के हो, पॉलिटिकल के हो, जिनके साथ आप लॉकडाउन में समय बिताना चाहते हो, वो कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, इष्ट, हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या मैं एक बात बता दूं निशांत भाई आपसे, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जी, मैं अपने गांव 10 साल के बाद आया हूं जी भैया, ठीक है, एक तो जो ये हमारे देश में संकट आया हुआ है, ऐसा संकट भगवान ना करे कि किसी जन्म में किसी को देखने को मिले यार, ठीक ना, इस संकट से हम लोग जितना जल्दी उभर जाए, हमारा देश उभर जाए, यही कामना है। लेकिन इस वक्त मैं अपने घर पे जब हूं ना, तो मुझे लग रहा है हाँ वाकई में मैं अपने गांव में आया हूं और मैं अपने परिवार के साथ हूं जी। और आप बता दूं कि ऐसे समय में आगे कहिए इसको कि हम अपने दूसरे घर, जो मेरा दूसरा घर है आरा शहर में ही जी, मैं वहां रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल चुका हूँ। हाँ मालूम चला है भैया, वो काफी लोग लिख रहे हैं और एक दो लोगों ने मुझे आज निजी तौर पर फोन किया था ये बोलने के लिए कि पवन भैया से पूछिएगा कि जैसे इंडस्ट्री हर जगह की इंडस्ट्री, पंजाब की इंडस्ट्री, चंडीगढ़ में, हैदराबाद की मतलब तमिल तेलुगु इंडस्ट्री अपने अपने जगह, फिर बंगाल की इंडस्ट्री कलकत्ता में, तो कहीं बिहार में पवन जी का ऐसा कोई प्रोग्राम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो, और उन्होंने अभी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी खोला है, तो क्या आगे तो फिल्म, वो है फिल्म सिटी कब बनी कब कब ना बनी में कितना टाइम लगे अगर हम गारंटी ना दे सकीला, लेकिन गायकी के लिए तो कर दिया हूँ अपने शहर में व्यवस्था, बिल्कुल जो फैसिलिटी मुंबई शहर में है वही फैसिलिटी आरा के स्टूडियो में है। क्या नाम रखे हैं भैया स्टूडियो का? जगन्नाथ स्टूडियो, हमारे बाबा का नाम था जगन्नाथ सिंह, ओके ओके, तो जगन्नाथ स्टूडियो नाम है आरा जी जी, तो इसलिए स्टूडियो खोला हूं, इसके पास पैसा नहीं है कि दिल्ली जाए, पटना जाए, मुंबई जाए, तो मुंबई का फैसिलिटी आपको आरा में ही मिलेगा, आप लोग आइए, गाना गाइए, मेहनत करिए, गाना हिट हो आप लोग खूब आगे बढ़ जाइए। तो मैं यही बता दूं आपसे, मुझे लग रहा है कि मैं 10 साल के बाद अपने गांव आया हूं,
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शाम के हम आ जाइला आरा शहर में आराम करे खातिर, उमर गाना गाइला स्टूडियो में, फिर शाम के चल जाइला अम्मा से भेंट करे गांव में, 15 किलोमीटर अंदर गांव पर माई के पैर छू लीला तो लगेला कि हाँ जो भी गलती किया हूं माफ हो गया, फिर आ जाइला आरा शहर में, फिर सो जाइला, फिर बगल में मेहनत होत रहेला अपन मीटिंग वीटिंग जो भी फोन पे है मिलना जुलना, फैन लोग जो है वो आते रहते हैं बिहार बंगाल यूपी झारखंड से, भैया भैया भैया, लेकिन क्या करिएगा लॉकडाउन का पालन करना है, मैं भीड़ में जा नहीं सकता, लेकिन क्या करिएगा, आपको यार है तो उसको मैं भगा भी नहीं सकता, मैं अपने अपने मुंह से कड़ा बोल भी नहीं सकता, सोशल डिस्टेंसिंग करके और मास्क वास्क पहन के कभी काल मिल लिया कीजिए, बिल्कुल मिलता हूँ भैया। तो मुद्दे पे आते हैं, वो पांच लोग जो जिनके साथ आप चाहते हैं कि लॉकडाउन टाइप का जो समय हो वो बिताएं। हाँ। नहीं ऐसे समय में देखिए पांच लोग मतलब पांच लोग क्या, सबसे पहले तो मैं अपनी अपने ये समय में हम अपने माई के साथ है बानी जी जी दूसरा जो है ये देखिए ये बैक कैमरा कर रहा हूं, ये हमारे साले साहब हैं जिसका नाम है क्या, लड्डू ना, लड्डू है, लड्डू जी 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 ये हमारे छोटे बाबा हैं, जी जी छोटे बाबा हैं, ठीक ना जी जी और घर पे हमारे गुरु हमारे चाचा अजीत सिंह जी बाणे जी जी इसके बाद हमारे राइटर जो अरुण बिहारी गाना लिखते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक अरेंज करता है मेरा छोटा भाई छोटू रावत जी, और जो रिकॉर्डिस्ट है वो हमारे स्टूडियो में, क्या नाम है जी, विकास, यही अपना एक छोटा सा परिवार है, हम लोग यही 5-7 लोग मिल के रह रहे हैं। और फोन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सेशन रहा, आप कुछ गाना वाना सुना दीजिए, लोग खूब लिख रहा है नीचे कि गाना सुनाइए गाना सुनाइए। गाना गाना कहा सुनाई, गाना बजाओ भोजपुरी सम्राट कौन भैया, आई लव यू कौन भैया, लव यू मेरे भाई, आप लोग इतना प्यार करते हो, मेरा भाई सीना चौड़ा रहता है कभी भी किसी वक्त, कभी भी मन उदास होता है तो मन दुखी होता है तो ये सोच के दिल चौड़ा हो जाता है कि चलो यार मेरे भाइयों का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता भैया। पहला काफी लोग लिख रहे हैं कि आपका पहला देवी गीत जो था वो गाइए, कुछ लोग लॉलीपॉप लिख रहे हैं, तो एक दो गाना गुनगुनाइए, जितने लोग हम लोग से जुड़े हैं लगभग 1400-1500 लोग देख रहे हैं वो लोग कम से कम सुने, क्योंकि पवन सिंह बिना गाना, पवन सिंह आए और गाना नहीं हो तो फिर सो गाना गाना नया नया तो हमेशा आविष्कार होते ही रहता है। ये आम्रपाली जी क्या तो लिखे, का दुनी देख के तू अलव की कैल, ये कोई गाना है क्या आपका? हाँ ये गाना कहते जी गावे साझे से नाच देखे गईला बारात में दा 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 ना 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 ओनिये कदला भोर हरिया हो भोर हरिया हो कादुनी देख के तू आइला ककईला मीठा मीठा बाते कमरिया हो। बाप रे बाप आवाज बेसुरा हो जाता मीठा मीठा बात है कमरिया हो लॉलीपॉप हर तू लगा जब लिपस्टिक अहिले लाया रा डिस्टिक तू लगा बेलू जब लिपस्टिक अहिले लाया रा डिस्टिक जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करे लपलप लॉलीपॉप लागेलू। देहरी से आपके फैन है अभिषेक राज जी भाई लिख रहे हैं कि भैया मैं देहरी से हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन, थैंक यू मेरा भाई। सुधांशु सिंह जी हैं, थैंक यू आप सब भाई लोगों के, थैंक यू मेरे पूरे हमरे पूरे भोजपुरिया परिवार के हमरे तरफ से थैंक यू भैया। भैया बोलबम के गाना सब कब से ऑल चालू होता है? बोलबम के गाना
3-4 दिन के बाद आई। भैया वो कोई एक अमरपाल जी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं एक सैड सॉन्ग आया है जो दुबई में हम लोगों ने शूट किया भैया, उसका भी कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छा गाना है। थैंक यू। अगर चाहे तो दो लाइन चाहे तो गुनगुना दीजिए। मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं, ये अमरपाली जी बोल रही हैं। मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं, तो ये पवन सिंह बोल रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर वो बोल रही है, तो फिर पवन बोल रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये पंडित जी कोई बात नहीं। इस गाने में अमरपाल जी नहीं है, मधु शर्मा है, पवन जी फन कर रहे हैं। अरे तो अभी 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 जब अमरपाली जी बोल रही है तो ये मेरा मेरा भी कुछ बनता है ना यार कि मैं अब बिल्कुल बिल्कुल काजल लगवानी जी लिख रही है कि प्रीतिया वाला सॉन्ग, कितना सॉन्ग सुने बस, सुनाओ सुनाओ। दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, दूसरा के नाम के मेहंदी रचा के, भैलू चीज पर प्रीतिया कितना सताई। जय हो काजल जी। हुकूमत का गाना था क्या? ओ वाह, प्रीतिया और ही कितना सताई। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया, आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और इतना अच्छा बातचीत हम लोगों ने किया भाई, और फिर हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आभार कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जल्द मिलते हैं हम लोग, और भी उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आप मतलब भोजपुरी के बारे में और जो अच्छा हो सकता है सोचेंगे। अमरपाल जी ने लिखा है कलेजा, अमरपाल जी ने लिखा है कलेजा चीलने वाले आदमी है पवन जी। बाप रे बाप, कलेजे चिल देता रहा हद भाई। पंडित जी थैंक यू। निशान जी, काजल जी लिख रही है थैंक यू निशान जी, पवन जी यू ऑल वेलकम। काजल जी आपने बोला और आप हमारी भोजपुरी की इतनी बड़ी नायिका है आप लोग, अमरपाल जी काजल जी थैंक यू निशान जी या पवन जी, आपको खाली थैंक यू बोले हैं, तो हमने देख के बताया इसलिए थैंक यू भैया। ये बहुत मैं गा रहा हूँ तो मुझे थैंक यू बोलो यार। अरे भैया लेकिन गाना गवाने का माध्यम मैं हूँ तो मुझे ही बोले। गजब जलते हैं लेकिन आप भाई, छोटे भाई से इतना क्यों जलते हैं यार। सॉरी मजाक। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी नायिकाओं का जो हम नहीं नहीं अरे मजाक चल रहा है भैया, सभी नायिकाओं का, खेसारी भाई का, अनंजय जी का, रजनीश जी का, अभय भैया का, मधु शर्मा जी का, सब लोग हम लोग से जुड़े हैं, सभी नायिकाएं, और उन लोग का बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरा भाई, जय माता दी। ठीक है भैया, धन्यवाद, जय माता दी। ओके, ये थे पवन भैया, और पवन जी के साथ हम लोगों ने खूब बातचीत की और खूब मजा आया। मतलब मैं जितने इंटरव्यू किया उधर सबसे फनीएस्ट इंटरव्यू है, और बहुत आभार प्रकट करूंगा मैं अपने इंडस्ट्री की टॉप नायिकाएं हमारी अमरपाली जी, काजल जी, रितु सिंह, अनारा गुप्ता, सहर आपसा जी, स्मृति सिन्हा जी, रजनीश भैया डायरेक्टर हमारे, अनंजय रघुराज जी, खेसारी भाई भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, और भी जो लोग जिनको मैं बीच बीच में नाम लिया हूँ, विकास भैया, अभय सिन्हा जी, अभय भैया, ये सब लोग, आप लोग के आने से मेरा शो ऑल स्टार्डम हो जाता है शो में, और जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो खुद को काफी मतलब क्या बोलते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं, और इसलिए इतना अच्छा शो हो पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी अच्छा लगा आज पवन भैया से बातचीत करके। अगले हफ्ते फिर हम उपस्थित होंगे आपसे एक नए सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, नमस्कार।